दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं अमर उजाला। तो दोस्तों, आज हम हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में खड़े हैं। छात्र संघ चुनाव को लेकर, कराए जाने को लेकर यहां छात्रों द्वारा उग्र आंदोलन किया जा रहा है। काफ़ी देर से यहां छात्र चुनाव कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान काफ़ी पुलिस से झड़प भी हुई है, प्राचार्य के साथ भी बहुत बहस हुई है और देखिए आप चारों तरफ पुलिस ही पुलिस लगी हुई है। छात्रों द्वारा बहुत ज़्यादा हंगामा किया गया है। इनकी मांग है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, जबकि प्राचार्य का कहना है कि ये अब हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि ऊपर से ये आदेश आया है कि छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। लेकिन छात्रों की लगातार मांग है कि हमें प्राचार्य से बात करनी है, लेकिन प्राचार्य से बात करने के दौरान काफ़ी धक्का मुक्की हो रही है। अब काफ़ी देर के बाद छात्र संघ चुनाव के पदाधिकारियों को अंदर प्राचार्य के कक्ष में ले जाकर प्राचार्य के साथ बात कराई जा रही है और आपको हम दिखाते हैं। देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ भीड़ है। देखिए शंकर तिवारी है, मैं भी इस कॉलेज का MA का छात्र हूँ। इस बार चुनाव की तैयारी मैं 2-3 साल से पिछले 2-3 वर्षों से कर रहा हूँ, पर ये 2-3 वर्षों में मेरा संघर्ष बिल्कुल एक क्षीण हो जा रहा है, जब इन्होंने एक आसानी से घोषित कर दिया कि इस बार चुनाव नहीं होंगे। मैं CM साहब से ही कहना चाहता हूँ, वो इतने अच्छे उम्मीदवार बने, वो इच्छाते पद में बने, क्योंकि वो भी एक छात्र संघ के पदाधिकारी रहे अपने समय में। तो हम भी ये चाहेंगे कि जब ये शैक्षिक कैलेंडर में जब ये लिख दिया गया था कि 30 सितंबर को इलेक्शन होने हैं, तो हमारे कुलपति द्वारा क्यों नहीं ये कहा गया, क्यों नहीं शिक्षा मंत्री तक पहुंचाया गया कि आप एक डेट निकालिए। हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है, इसमें हम छात्र नेताओं की क्या गलती है? हमने तैयारी की, हमने अपनी पूरी मेहनत की, छात्रों के बीच रहे, भाईचारे की तरह उनके काम किए, यहाँ पे टीचरों ने भी और किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया, तब हम उनके साथ धूप बरसात में खड़े रहे। लेकिन अब हमें ऐसे टाल दिया जा रहा है, ऐसे कभी हाईकोर्ट के द्वारा, कभी किसी चीज़ के द्वारा हम हाईकोर्ट के फैसले का कभी भी उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने भी अगर राज्य सरकार को एक मौका दिया है तो हम कहना चाहेंगे, हम उनसे विनती करना चाहेंगे, उनसे लड़ना नहीं चाहते, उनसे विनती करना चाहते हैं, कृपया हम छात्र नेताओं की एक सुनिए, एक मांग, एक दलील, हल्की सी दलील सुनिए, जिससे हम भी आगे को अच्छी क्रांतिकारी, अच्छे नेता बन पाए और एक अच्छे कॉलेज के समाज का विकास कर पाए। क्या नाम है आपका और आज क्या कारण है जो आप लोग यहाँ प्रदर्शन? मेरा नाम रक्षित सिंह बिष्ट है और मैं इस बार कॉलेज से अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार बहुत टाइम से हम संघर्ष करते आए हैं, जून से एडमिशन प्रवेश प्रक्रिया खोल दी गई थी, तब से हम छात्रों का पूरे 365 दिन और जून से साथ हम हर दिन कॉलेज में संघर्ष कर रहे हैं। पहले 7 बजे से निकल जाते हैं, रात को 10 बजे तक छात्रों के लिए काम करते हैं और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि छात्रों को उनका प्रतिनिधित्व देने से सरकार नकार रही है और नई पौध, नए विचार, नई क्रांति और नया बल और जो छात्र शक्ति को छात्रों की आवाज़ बनकर जो छात्र नेता प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रदेश की सड़कों में छात्र से पूरा सरकार से आंख में आंख डाल के सवाल पूछते हैं, क्यों बहन अंकिता भंडारी को आज भी न्याय मिलने मिल पाता है, क्यों पेपर लीक हो रहा है, क्यों एग्जाम में पेपर भर्ती घोटाला होता है, हकम सिंह लोग जैसे लोगों को, ये धन सिंह रावत को डर है कि कहीं उसकी गद्दी खतरे में ना हो, ये छात्र संघ चुनाव को बंद करने का काम कर रहे हैं, ये इस वजह से कायरता है। और साथ में अगर हम इसका विरोध कर रहे हैं, हमें गुमराह करा जा रहा है और इसका विरोध करें तो हमें लाठियां बरसाई जा रही है, हमारे कपड़े फाड़े जा रहे हैं, हमें मारा जा रहा है, हमें कुचला जा रहा है, हमें लातों से कुचला जा रहा है। पुलिस प्रशासन हमें दबाव लेने की कोशिश कर रही है, पर हम दबाव में आने वाले नहीं है। ये पहाड़ का युवा है, ये पहाड़ का क्रांतिकारी नौजवान है, ये सब जानता है और आप अपनी हरकतों से बाहर आ जाइए। चुनाव कराना पड़ेगा, चुनाव तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने हर दिन संघर्ष करा है, तो हम आमरण अनशन करेंगे या इसकी छत से कूद कर नीचे गिर जाएंगे। मैं अर्ज शर्मा इस बार उपाध्यक्ष पद का दावेदार हूँ और जैसा कि आपको पता होगा कि जो सरकार है, प्रशासन है, हमारे साथ एक खेल कर रहा है। पहले कुल सचिव जी के उससे एक लेटर दिया जाता है कि 25 नवंबर यानी आज चुनाव हो जाने चाहिए, परंतु नहीं हुए हैं। और अब जो खुद छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, धन सिंह रावत जी, ये सब ये लोग कहते हैं आज छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, ये हम युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने से रोका गया है पूरा। और क्या कहते हैं हमारा, हम जब अपनी मार्कशीट, हम अपने एग्जाम की डेट शीट, जब सब हमारी कुमाऊं यूनिवर्सिटी से आ रही है, तो कोर्ट कौन होता है हमारी चुनाव की डेट निकालने वाला? हम क्या बच्चे जानते हैं? हम एक समान परिवार से आते हैं, हम एक हाई कोर्ट का वकील कहां से करेंगे? तो एक डेट के 25-25-30 हजार रुपए ले रहे हैं, हमेशा रोकते हुए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो कहीं ना कहीं, इन लोगों को डर है कि कल के इनको इनकी कुर्सी ना छिन जाए, इसलिए हम चाहेंगे जब तक हमारी चुनाव की तिथि घोषित नहीं आती तब तक ऐसे उग्र आंदोलन रहेगा, वरना आगे जाके भी हम लोगों को झूठे आश्वासन बहुत दे दिए, अब हम झूठे आश्वासनों को नहीं मानेंगे। इन्हें हमेशा तारीख 25 की दी थी, उसके बाद कुलपति जी ने कोई अपना निर्णय नहीं दिया है, आगे भी हम ऐसे लेटर देते आ रहे हैं आगे से और देते रहेंगे। मेरा नाम ललित सिंह है, मैं कुछ अध्यक्ष पद प्रत्याशी हूँ इस बार।
और कौन है? मैं मोहम्मद अरशद, अध्यक्ष प्रत्याशी। हम देखते आ रहे हैं, पिछली बार भी जब चुनाव 30 सितंबर को होना था तो आगे नवंबर में क्यों हुआ? उससे पहले दिसंबर में कराया गया था चुनाव, तो इस बार क्यों नहीं हो सकता नवंबर में चुनाव? हमारा यही सवाल है कि चुनाव की तिथि जल्द से जल्द दी जाए। ये अचानक से कोर्ट का ऑर्डर कहाँ से आ गया? हमें क्यों पता नहीं चलता कुछ भी? हमें महाविद्यालय से कुछ भी कह दिया जाता है, विश्वविद्यालय से कुछ और आता है हमारे पास लेटर। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव होना चाहिए। हम छात्रों की आवाज़ बने हुए हैं और छात्रों की आवाज़ बने रहेंगे। ये लोग छात्र संघ चुनाव को इसलिए बंद करना चाहते हैं क्योंकि हम निष्पक्ष सवाल उठाते हैं। हम किसी दल से नहीं, हम किसी पार्टी से नहीं, हम सबके ग्रीवान में हाथ उठा सकते हैं, हम किसी से सवाल पूछ सकते हैं। इसलिए हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित की जाए। अब्दुल मोहसिन, आज आपने देखा यहाँ पे कितनी भीड़ है, बच्चों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है, छात्र नेताओं को दबाया जा रहा है, छात्र नेताओं के साथ साथ यहाँ से चुनाव खत्म कर रहे हैं। हम भी 4 सालों से मेहनत करते हुए आ रहे हैं यहाँ पे, हमारी मेहनत को ऐसे पानी में फेर रहे हैं, बच्चों को मारा जा रहा है यहाँ पे, दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है या बच्चों, पुलिस प्रशासन का क्या काम है यहाँ कॉलेज में हमारे? क्या मांग क्या है आपकी? हमारी मांग है यहाँ चुनाव कराया जाए और यहाँ से पुलिस को भगाया जाए। छात्र तो बेचारे लोकतांत्रिक
आएंगे, जाओ अपना प्रचार साथ हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।